क्या होता कांग्रेस का गठबंधन और कांग्रेस की हारने तरफ के से लिए, हारने के लिए उसको दे देते हम कांग्रेस को जमानत जब्त कराने के लिए। आरोप के लोग कह रहे हैं कि आरजेडी ये लगा रहे हैं कि आरजेडी का गठबंधन हो गया है पर्दे के पीछे बीजेपी से, ये एलिगेशन लगा है। कौन बोला है ये? भक्त चरण दास चरण दास भक्त को न रहिए है, उसको कोई पता है भक्त क्या न जाए कुछ हो जाए। इतना तो मानते हैं ना कि कांग्रेस कभी भाजपा के साथ नहीं जाएगी। बोलिए खुल के बोलिए कुछ हो जाए। नमस्कार, मैं हूं पंकज झा, आप मेरे साथ देख रहे हैं ऑफ द रिकॉर्ड। आज बात करते हैं कि प्रियंका गांधी के लिए कायर कौन है, और ऐसा अगर उन्होंने कहा है तो इसके पीछे की उनकी राजनीति क्या है। क्या प्रियंका की रणनीति, या फिर कह लें कि उनके भाई राहुल गांधी की भी रणनीति कुछ राज्यों को लेकर बदल रही है? जी हाँ, लग तो ऐसा ही रहा। ऐसा लग रहा है कि प्रियंका और राहुल ने अपनी पॉलिटिक्स का स्टाइल बहुत कुछ बदल लिया है। अगर इसमें एकला चलो रे वाला भाव भी आ जाता है तो भी सही। अब पार्टी ने ठान लिया है, जब मैं पार्टी की बात कर रहा हूँ तो कांग्रेस ने ये ठान लिया है कि चाहे जो भी हो हमें अपने पैरों पर खड़ा होना, उधार के सिंदूर से वो अपनी मांग नहीं भरेंगे। प्रियंका का स्टाइल तो कुछ न कुछ ऐसा ही बता रहा, क्योंकि किसी ने ये उम्मीद नहीं की थी कि प्रियंका ये बात अखिलेश यादव से कह जाएंगे। पर ऐसा हुआ जब एक फ्लाइट में अखिलेश यादव और प्रियंका गांधी की मुलाकात हुई तो जो बात हुई उसको लेकर अखिलेश यादव भी हैरान है कि आखिर ऐसी बात प्रियंका कैसे कह सकती है, क्योंकि दोनों के रिश्ते इतने मीठे थे कि इस बात की गुंजाइश ही नहीं थी। लेकिन जब दोनों की मुलाकात हुई तो फिर प्रियंका ने कह दिया कि आप हमारी पार्टी के जिन नेताओं को लेकर जा रहे हैं, अच्छा किया उन कायरों को आपने अपनी पार्टी में ले लिया, थैंक यू अखिलेश यादव। अखिलेश यादव ने मुस्कुराकर कुछ कहा नहीं है। तो अब ये जानिए कि प्रियंका गांधी ने जब कायर कहा तो आपके मन में यह आ रहा होगा तो वो कायर नेता कौन हो सकता है, जो कल तक कांग्रेस पार्टी में उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण चेहरे होते थे, उनके सलाहकार होते थे, उनकी पार्टी के लिए जीते और मरने वाली बातें होती थी, वो उनके लिए कायर हो गए। तो जब प्रियंका गांधी ने कायर कहा तो आपके दिमाग में एक तस्वीर उभर रही होगी, कौन होगा कायर? मैं बताता हूं आपको, अनु टंडन, जो उन्नाव से कांग्रेस पार्टी की सांसद थी, समाजवादी पार्टी में चली गई तो वो प्रियंका के लिए कायर होंगे। सलीम शेरवानी, ये भी सांसद रहे, ये समाजवादी पार्टी में चले गए कांग्रेस से तो वो भी कायर हो गए। राजा रामपाल, जो हाल ही में चले गए समाजवादी पार्टी में, कानपुर देहात से कांग्रेस के सांसद थे, उनके लिए भी यही है। कल को हरेंद्र मल्लिक, जो कि पश्चिमी यूपी के बड़े जाट नेता हैं, समाजवादी पार्टी में जाने को इच्छुक हैं, कभी भी जा सकते हैं, कांग्रेस पार्टी छोड़ चुके हैं, प्रियंका गांधी के सलाहकार टीम के सदस्य थे, यानी सलाहकार थे, तो कल तक जिनको प्रियंका गांधी सलाहकार के लायक समझती थी, अब जब वो अखिलेश यादव में चले गए तो कह रही हैं कि वो कायर है। और जिन प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव के रिश्तों की बात हो रही है, दोनों के रिश्ते बहुत अच्छे रहे हैं, इससे पहले कभी दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ एक शब्द नहीं कहा। लेकिन प्रियंका अब ये मानकर चल रही कि अगर मुझे यूपी में खूंटा गाड़ना है ना तो मुझे अखिलेश से लड़ना है तो लड़ना है, भिड़ना है तो भिड़ना है, अब उसमें किसी बात की रत्ती भर की भी मिठास वाली बात नहीं रहेगी, कल को देख लेंगे, जो जीता वही सिकंदर का भाव। यानी कि प्रियंका ने अभी सोच लिया है, क्योंकि पहले जैसे थे ना कि दोनों पार्टियों का अलायंस हुआ था, यानी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का 2017 में, और ये लग रहा था कि कल को पता नहीं राजनीति किस करवट उठ बैठेगी, दोनों साथ भी हो सकते हैं, तो जब होगा तब होगा, देख लिया जाएगा। प्रियंका ने मन बना लिया है, उनकी टीम ने भी ये मन बना लिया है कि अब बिल्कुल लड़ेंगे भिड़ेंगे, और सबसे पहली लड़ाई तो अखिलेश यादव से ही, पहले तो विपक्षी नंबर एक ही बनना है, उसके बाद न बीजेपी से लड़ेंगे, तो उन्होंने अखिलेश यादव से लड़ाई ठान ली है, और इस लड़ाई के ठानने का ऐलान भी कर दिया, वो भी अखिलेश यादव के सामने ही। ये प्रियंका की बदली हुई राजनीति है, उनकी बदली हुई पॉलिटिक्स का स्टाइल है, और ये स्टाइल कांग्रेस का सिर्फ यूपी में नहीं दिख रहा है, बिहार को भी मैं समझता जानता और जाता आता रहा हूँ, और वहाँ भी कुछ इसी तरीके की राजनीति हो रही है। वहाँ पर आरजेडी और कांग्रेस का बहुत पुराना गठबंधन है। सोनिया गांधी ने एक बार कहा भी था लालू यादव को लेकर कि मेरे सबसे भरोसेमंद साथी लालू यादव। जब सोनिया गांधी पर विदेशी मूल होने का आरोप लगा था
तब सबसे पहले जब कई कांग्रेसी नेताओं ने भी सोनिया गांधी से किनारा कर लिया था, जो आजकल सोनिया गांधी के साथ हो गए हैं, तब भी कांग्रेस से अलग होकर आरजेडी के अध्यक्ष होने के नाते लालू यादव ने भी सोनिया गांधी के लिए खूंटा टांग कर समर्थन किया था। सबसे बड़े समर्थक बनकर निकले थे, बीजेपी के खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी थी। वो लालू यादव जिनके लिए इतनी तारीफें करती थी सोनिया गांधी, अब जब उनके बेटे तेजस्वी एक तरीके से आरजेडी के चेहरे बन गए, वहां भी राजनीति बदल रही। जिस तेजस्वी यादव को कन्हैया कुमार पसंद नहीं थे, वो कन्हैया कुमार आजकल कांग्रेस पार्टी के लिए प्रचार कर रहे हैं। आप जानते हैं कि कैसे बिहार में अभी उपचुनाव चल रहा है, और इस उपचुनाव दो सीटों पर, तारापुर और कुशेश्वर स्थान। ये तारापुर जिधर है उधर मेरा ननिहाल है, और कुशेश्वर स्थान जिधर है उधर मेरा गांव है, तो इसीलिए दोनों इलाकों को मैं भली भांति जानता हूँ और जो वहाँ की राजनीति हो रही है। इस उपचुनाव के बहाने ही आरजेडी और कांग्रेस दोनों ही अपना दमखम दिखाने के मूड में है। वहाँ पर क्या हुआ कि कांग्रेस ने अपना प्रभारी भी बदल लिया। उड़ीसा वाले भक्त चरण दास जो है, जो राहुल गांधी के बहुत करीबी हैं, उनको बिहार का प्रभारी बनाया गया। राहुल गांधी दूर से ही बहुत कुछ कंट्रोल किए हुए हैं। ये जो फैसला हुआ कि कन्हैया कुमार को, जो लेफ्ट में थे, और उनको लाना है कांग्रेस में, ये फैसला राहुल गांधी का था। राहुल गांधी वहाँ चाहते हैं कांग्रेस को एक नया तेवर कलेवर नए चेहरों से लैस करने के लिए, भविष्य की राजनीति को उन्होंने देख लिया, पुराने चेहरों पर उन्होंने दांव लगाकर देख लिया पिछले विधानसभा चुनाव में क्या मिला। जिस तरीके से प्रियंका यूपी में कांग्रेस के लिए काम कर रही हैं कि हमें जो कुछ हो, हमें अपने पैर पे पहले खड़ा होना, बाद में देख लेंगे कि मेरा साथी या हमराही कौन होगा, उसी तरीके से बिहार में भी उसी स्टाइल पर आगे चलने की कोशिश है। अभी आरजेडी और कांग्रेस अलग नहीं हुए। वो नहीं होने के पीछे जो कहानी कही जा रही है वो है कि अप्रैल के महीने में राज्यसभा का चुनाव है और MLC का भी चुनाव है। राज्यसभा के चुनाव में आरजेडी को दूसरी सीट पर जीत दर्ज करने के लिए कांग्रेस के विधायकों का समर्थन चाहिए, और MLC के लिए कांग्रेस को आरजेडी का समर्थन चाहिए अगर उसे उम्मीदवार खड़ा करना है। तो इसीलिए अप्रैल तक ये कहा जा रहा है कि दोनों पार्टियां लड़ते भिड़ते हुए भी साथ रहेंगी, क्योंकि अभी ज़रूरत है। मैरिज ऑफ कन्वीनियंस कहते हैं ना, दोनों की एक दूसरे की ज़रूरत है। पर ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके के हालात हैं और जो राहुल गांधी का माइंड गेम है, और जो कन्हैया कुमार टाइप के दूसरे नेता जो भी कांग्रेस में आए और चाहते हैं कि क्या करना है, तो हो सकता है आने वाले दिनों में कांग्रेस और आरजेडी एक दूसरे से अलग दिखे, यानी ये गठबंधन टूट जाए। पहले जो महागठबंधन था वो गठबंधन हो गया कांग्रेस और आरजेडी का, और ये भी टूट जाएगा। अब देखिए किस तरीके से कन्हैया कुमार ने अपने भाषण में कहा, जिस भक्त चरण दास को लेकर आरजेडी के नेताओं ने टीका टिप्पणी की, तो उन्होंने इसका खुद जवाब दिया। क्या होता कांग्रेस का गठबंधन और कांग्रेस हारने के लिए खुद दे देते हम कांग्रेस को जवाना जब कराने के लिए। आरोप कांग्रेस के नेता ये लगा रहे हैं कि आरजेडी का गठबंधन हो गया है पर्दे के पीछे बीजेपी से, ये एलिगेशन लगा है। कौन बोला है? ये भक्त चरण दास भक्त क्यों ना रही है, उसको कोई पता है? भक्त क्यों ना जाए, या कुछ हो जाए, इतना तो मानते हैं ना कि कांग्रेस कभी भाजपा के साथ नहीं जाएगी। बोलिए, खुल के बोलिए, कुछ हो जाए। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो बीजेपी से नहीं मिल सकती, यानी उन्होंने इशारों ही इशारों में लालू यादव और आरजेडी पर भी बीजेपी से मिलीभगत का आरोप लगा दिया। इससे बड़ा आरोप किसी का नहीं हो सकता। इसी चक्कर में लालू यादव जब बिहार जा रहे थे तब उन्होंने भक्त चरण दास को तो भक्त चोनर तक कह दिया। हालांकि लालू जब बोलते हैं तो कुछ भी बोलते हैं, मैंने उन्हें बहुत करीब से देखा है। लालू की जो राजनीतिक शब्दावली है ना, वो हिंदुस्तान में किसी राजनेता के पास नहीं। तो भक्त चरण दास, जिसकी तारीफ में कन्हैया कुमार ने क्या क्या नहीं कहा, पत्रकारों ने पूछा उन्हीं भक्त चरण दास के बारे में, तो उनको भक्त चोनर तक कह दिया। खैर, हम बात कर रहे हैं कि ये जो बिहार और यूपी, देखिए किसी भी पार्टी को अगर दिल्ली में अपनी सत्ता बनानी है या राजनीतिक ताकत बढ़ानी है, उसको देश में राज करना है, तो उसको बिहार और यूपी में तो आगे बढ़ना होगा। कांग्रेस की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है कि इन दोनों राज्यों में ना, कांग्रेस यूपी में तो आप समझिए कि पार्टी कुछ है ही नहीं, और बिहार में जो कुछ भी है वो लालटेन के पीछे पीछे है, यानी लालटेन के उजाले में तो कांग्रेस दिखती नहीं है। अब कोशिश ये है, राहुल और प्रियंका की जो नई जोड़ी है, मतलब पुरानी ही जोड़ी है, नए तेवर और कलेवर वाली जो जोड़ी है, वो बिहार और यूपी में अपनी पार्टी की रणनीति को बिल्कुल अलग ट्रैक पर ले जा रही है। इसमें खतरे भी हैं, रिस्क तो लेना पड़ता है पॉलिटिक्स में।
समाजवादी पार्टी के कुछ नेताओं ने तो मजाक मजाक में कहा, कल तक जिसको इतना मान सम्मान दे रही थी प्रियंका और आज इसको कायर कह रही है, तो अंगूर खट्टे हैं वाली बात है कि आपको नहीं मिला तो आप करें खट्टे, जो भी बात हो। लेकिन ये इतना तय है कि अगर ये फार्मूला चल निकला, बिहार या यूपी में कांग्रेस पार्टी में एक नई ताकत मिल गई, उसे अपनी सियासी जमीन मिल गई, तो समझिए कांग्रेस के लिए एक नया जीवनदान होगा, यहाँ से कांग्रेस का एक नया चैप्टर लिखा जाएगा। लेकिन अगर राहुल और प्रियंका की ये स्ट्रैटेजी फेल हो गई, प्रियंका जो बिल्कुल बदले हुए अंदाज में यूपी में लग रही हैं, जिस राहुल और प्रियंका के बारे में ये कहा जाता है कि ये दोनों नेता फोटो ऑप करते थे, इनके बारे में कहा जाता था पॉलिटिकल टूरिज्म है, यानी जब भी कोई घटना होती थी, बड़ी होती थी घटना, तो राहुल और प्रियंका चले जाते थे, 3-4 दिनों बाद वापस दिल्ली लौट लेते थे, इस बात को लेकर बीजेपी वाले मजाक उड़ाते थे, समाजवादी पार्टी वाले भी ये बात कहते थे। लेकिन इस बार तो प्रियंका ने अपनी पॉलिटिक्स का स्टाइल ही बदल लिया, लखीमपुर की घटना हुई तो उन्हें खूंटा गाड़ के वहीं रह गई, अब जिस तरीके से वो एक से एक चुनावी वादे कर रही हैं, इस वादों से भी बहुत तकलीफ हो रहा है अखिलेश यादव को भी। अखिलेश यादव अभी मान रहे हैं कि बीजेपी को बिल्कुल ले रहे हैं कि बीजेपी के खिलाफ सिर्फ मैं ही लड़ रहा हूँ, ये मैसेज देने का उनका काम है। और प्रियंका ये इस जुगाड़ में लगी है, इस रणनीति में लगी हुई है कि नहीं भाई, मजबूती से और सही मायने में अगर कोई संघर्ष कर रहा है ना सत्ता के खिलाफ और बीजेपी के खिलाफ, तो वो प्रियंका है। इसीलिए दोनों के बीच पहला मुकाबला इसी बात पर हुआ कि ग्राउंड में कौन दिख रहा है, अखिलेश यादव दिख रहे हैं या प्रियंका गांधी दिख रही हैं। तो ये जो स्ट्रेटजी में बदलाव आया है प्रियंका राहुल का बिहार और यूपी को लेकर, अगर ये रणनीति कामयाब रही तो कांग्रेस के लिए बहुत अच्छे दिन आ जाएंगे, वरना पता नहीं कल को क्या होगा। लेकिन पॉलिटिक्स में रिस्क तो लेना ही पड़ता है जो प्रियंका और राहुल ले रहे हैं। मैं आपसे एक और अपील करूंगा कि आप जब मेरा वीडियो देखते हैं, ऑफ द रिकॉर्ड देखते हैं, आपको पसंद आए ना आए वो बात मुद्दा अलग है, लेकिन क्यों नहीं पसंद आया और अगर मेरी बात समझ में आ रही है, आप उससे इत्तेफाक रखते हैं तो क्यों रखते हैं, ये कमेंट बॉक्स में लिखकर आप भेजेंगे तो मुझे भी बड़ा अच्छा लगेगा। हो सकता है मुझमें भी गलतियाँ होती हैं, नो वन इज़ इनफैलेबल, हम कहते भी हैं, होता भी है, तो मैं अपनी गलतियों को सुधारूंगा। आपसे ये उम्मीद करता हूं कि आप कमेंट बॉक्स में जाकर लिखेंगे, मैं उस पर बारीकी से गौर करूंगा और आगे उस पर काम भी करूंगा। आज के लिए बस इतना।